तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फैमिली बीएक्स। तो आज हम आपके लिए कुछ नया लाए हैं। तो आज हम कुछ पहेलियां लाए हैं और कुछ जोक्स लाए हैं। हाय गाइस, मैं सुमित, जैसा आप मुझे पहचानते हैं। सो गाइस, आज हम सच में आपके लिए कुछ डिफरेंट लेकर आए हैं। हम लोग डेली व्लॉगिंग करते थे, लेकिन आज हम कुछ नया कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए कुछ हिलेरियस जोक्स आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए लेकर आए हैं। सो गाइस, हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। एक बात बताओ, कौन सा ऐसा पेड़ है जो हमारे हाथ में आ सकता है? मुझे नहीं पता। नाम से ही आ रहा है, कुछ गैस करो। हाथ, हाथ, हाथ में हैंड ट्री। आपको भी पता है ना, ऐसा तो कोई ट्री नहीं होता। मतलब आपको प्लांट पता होता है कौन सा होता है? प्लांट होता है। No. ऐसा कोई ट्री नहीं होता पापा, आप ऐसे ही बोल रहे हो। होता है नहीं होता, झूठ क्यों बोला? होता है नहीं। मैं हिंट देता हूँ, संजना तुम्हें भी बताओ। ये ट्री ना कभी हमारे ड्राइंग रूम में होता था। अच्छा, अब तो बता दो यार। पाम ट्री। यस, पाम ट्री। तो आप बेबी कॉर्न के पापा को क्या कहोगे? कॉर्न। कॉर्न तो है ही, बेबी कॉर्न के पापा को क्या बोलोगे? अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे दो, फर्स्ट वर्ड बताओ। आप मुझे क्या कहते हो? पापा। और क्या क्या नाम रखे आपने? और क्या? अच्छा चलो, मैं दादू को क्या क्या नाम से बुलाता हूँ? आप दादू को कभी पापा नाम से बुलाते हो, कभी क्या बुलाते हो, और क्या था, मैं भूल गया। आप एक वर्ड से बुलाते हो, और एक और। गैस करो कोई। संजना आप भी कुछ सोच सकते हो? मुझे तो जो आ रहा है दिमाग में, पॉपकॉर्न। यस, पॉपकॉर्न। पॉप, हाँ पॉप। ऐसा कौन सा एनिमल है जो बेसबॉल खेलता है? बताओ। ऐसा कौन सा एनिमल है जो बेसबॉल खेलता है? कोई भी एनिमल कैसे खेलेगा, उसके पास हाथ थोड़ी होते हैं या फिर स्किल्स। ये मैं भी बता सकता हूँ। ओ, आई थिंक बेसबॉल खेलने वाला। अरे टाइसन, तू ही बता दे यार। टाइसन बोला। मैं खेलता हूँ बेसबॉल। बताओ, दिमाग लगाओ। क्या संजना, तुमने भी बड़ा मजा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया। खुशी, एक काम कर सकते हैं हम। बेसबॉल तो कोई खेलता नहीं होगा। हाँ। इसमें कुछ क्विज है, इसमें कुछ छुपा हुआ हिडन है। क्विज मतलब कुछ हिडन है, ठीक है? जैसे हिडन कुछ भी हो सकता है वो हिडन। तो हिडन क्या हो सकता है? तेरे को बताना है समझ में? अच्छा ये बताओ, पहला वर्ड कौन सा है? सोचो। बता। अबे यार, चमगादड़ को इंग्लिश में बैट बोलते हैं। बैट, आ बैट, वो तो खुद बैट है, तो वो तो बेसबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है। क्रिकेट कैसे खेलेगा? वो बैट है। बैट तो बैट से ही तो क्रिकेट खेलेंगे हम। बैट से ही तो खेलते हैं क्रिकेट, और बेसबॉल भी बैट से ही खेलते हैं। पर एक चीज फेवरेट पापा, बेसबॉल और क्रिकेट में, बेसबॉल का बैट जो गोल होता है। अरे वो तो बैट है ना। एक घोस्ट का समर का फेवरेट फूड कौन सा होगा? घोस्ट का यानी भूत का, भूत का फेवरेट फूड कौन सा होगा? हाँ, वही तो। ये कौन सा हो सकता है भाई? गोस्ट कौन सा खाना खाते हैं? हाँ,
भाई सोचो सोचो जैसे मम्मी वाले में था। फिश फिश खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हुए तो या वेजिटेरियन हुए तो? नहीं फिर थोड़ा सा गैस करो। इंसान? मैं एक हिंट देता हूँ। तो संजना और खुशी सुन लो, ये चीज खुशी की सबसे फेवरेट है। खुशी की फेवरेट है? यस, और गूस्ट की भी फेवरेट है। हैं? मैं पूतल नहीं हूँ पापा, प्लीज। सोचो सोचो सोचो। सोचते हैं। खुशी का सबसे फेवरेट क्या है? खुशी का सबसे फेवरेट चॉकलेट है। मैंने एक चीज भी बोली साथ में, समर। चॉकलेट्स तो 12 महीने की है, लेकिन समर के लिए सोचो। समर 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 में क्या खाती है सबसे ज्यादा शौक? आइसक्रीम। हाँ तो थोड़ा सा और ठीक जा रहे हो, थोड़ा सा उसको बोलो। संजना थोड़ा आपने ठीक बोला है, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रोनंसिएशन को हल्का सा घुमाव देना है हमें। जब आप हॉरर मूवीज देखते हो या हॉरर कुछ देखते हो तो क्या हो जाते हो? डर जाते हैं क्या? हम बोल जाते हैं। मुझे समझ आ गया, आई एम स्कैर्ड। तो और मैंने क्या बोला? फूड। आई एम स्कैर्ड कौन सा फूड है? आप लोगों ने गैस किया क्या? नहीं। अभी आपने फूड ठीक बोला था, अब आई एम स्कैर्ड और आइसक्रीम को मिला लो। आइसक्रीम हो जाएगा, मतलब मैं डर गया और आइसक्रीम भी हो गया। एक बात बताओ, शीप्स शीप्स देखी है ना आप लोगों ने? हाँ। भेड़ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो वेकेशन के लिए कहाँ जाती है? वेकेशन के लिए कहाँ जाती है? यस शीप। यस मजे की बात बताओ। चलो तुम हिंट पूछोगे तब बताऊंगा। ओके शीप जाती है गोवा। गोवा आराम करेगी। कश्मीर जाती है। कश्मीर में क्या करेगी? कश्मीर में अच्छा घुड़सवारी। उनसे लिंक कहाँ से हुआ? ऐसे कैसे, मतलब कश्मीर जाएंगी ये कैसे? ठंडे ठंडे उसमें जाती है। शीप वर्ल्ड में। शीप वर्ल्ड में हो सकता है। वर्ल्ड में क्या पता? और सोचो और सोचो और सोचो और क्या होगा? चलो मैं एक हिंट खुद ही दे देता हूँ। मेरी चप्पल पे वो नाम लिखा है। हैं? चप्पल पे चप्पल लिखा ना पापा? चप्पल कहाँ लिखा हुआ? चप्पल पे कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मैं है। अब तो भाई मैं हिंट से ज्यादा, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। दिखाओ 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 चप्पल दिखाओ अपनी चप्पल दिखाओ। ग्रेट 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 ग्रेट। फिर महाबल। महाबल तो बोलो। अगर महा समझ में आ रहा है कुछ तो आ रहा है तो बताओ क्या है। मम्मा की पिटाई चल रही है। क्या तो लग गई है इसके। ओए ओए बचो। हाँ गाइस, थोड़ा शूटिंग के दौरान परू को लग गई है, पर वो खुशी का आंसर ठीक था। दैट इज बहामास। बहामास बहामास दैट इज द आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके हमारी वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहे। हमारे एप्रिसिएशन ही हमारी इनकम है।